गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक। समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानने से पहले एक बार हम समस्या समाधान का अर्थ दोबारा से देख लेते हैं। जब व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति की राह में कोई व्यवधान अथवा रुकावट आती है तो वो समस्या कहलाती है तथा उस व्यवधान अथवा रुकावट को दूर करके लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होने की क्रिया को समस्या समाधान कहा जाता है। इस प्रकार से समस्या समाधान के चार कंपोनेंट्स होते हैं, चार तत्व होते हैं। प्रारंभिक अवस्था, ये वो अवस्था है जहां पर समस्या को डिफाइन किया जाता है। गोल स्टेज, लक्ष्य प्राप्ति, ये वो अवस्था है जिसको प्राप्त करना है समस्या के समाधान के बाद। ऑपरेटर्स, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका यूज किया जाता है समस्या के समाधान के लिए। और रूल्स, कुछ ऐसे नियम रहते हैं समस्या समाधान में जिनका पालन करना होता है, जिनका अनुसरण करते हुए काम करना होता है और समस्या को सुलझाने के लिए इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सिचुएशनल वेरिएबल्स यानी कि परिस्थिति जन्य कारक और सब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल्स। सब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल्स मतलब व्यक्ति से संबंधित कारक, यानी इसके अंतर्गत व्यक्ति की विशेषताएं आएंगी। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। सिचुएशनल वेरिएबल्स यानी परिस्थिति जन्य कारक, ये वो कारक हैं जो समस्या और वातावरण से संबंधित होते हैं तथा लगभग सभी व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं। सबसे पहला कारक आता है साइज ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का आकार। समस्या के आकार जितना बड़ा होगा उतना ही समस्या को सुलझाने में अधिक कठिनाई का अनुभव होगा। और इसी तरीके से जो समस्या जितनी छोटी होगी, जितना उसमें साइज कम होगा, उतनी ही आसानी से उसको सुलझाया जा सकेगा। दूसरा फैक्टर आता है सिमिलैरिटी बिटवीन प्रॉब्लम सिचुएशन एंड सॉल्यूशन सिचुएशन, यानी कि समस्या स्थिति व समस्या समाधान में समानता। जिस दशा या स्थिति में समस्या को प्रस्तुत किया जाता है तथा जो स्थिति समाधान के बाद उभर कर प्रयोज्य के सम्मुख आती है, इन दोनों के बीच जितनी समानता होगी प्रयोज्य के लिए समस्या समाधान उतना ही सरल होगा। तीसरा फैक्टर आता है समस्या परिस्थिति का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन। इस फैक्टर पर गेस्टाल्टवादियों ने बहुत बल दिया है। उनका ये कहना था कि समस्यात्मक परिस्थिति के कंपोनेंट्स में, अवयवों में जितनी संगठन की प्रवृत्ति होगी, इस परिस्थिति का संगठन व पुनर्गठन उतना ही जल्दी होगा। और जब हम अंतर्दृष्टि के द्वारा समस्या का समाधान करते हैं तो उस समय ये कंपोनेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है समस्या की जटिलता। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय में अपने विचार दिए हैं और ये बताया है कि जैसे जैसे समस्या की जटिलता को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे समस्या समाधान में प्रयोज्य द्वारा लिया गया समय बढ़ता जाता है। जितनी अधिक जटिल समस्या होगी लगने वाला समय भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि व्यक्ति को समस्या का समाधान करने में कठिनाई का अनुभव होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है समस्या का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। हमने पहले लेक्चर्स में देखा था कि प्रॉब्लम का नेचर कई प्रकार का हो सकता है। एक समस्या ऐसी होती है जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, जिसमें उसका नेचर स्पष्ट है, आपको पता है कि समस्या का स्वरूप आपके सामने है। और दूसरी होती है इल डिफाइंड प्रॉब्लम, यानी कि अनुपयुक्त परिभाषित समस्या, यानी व्यक्ति को ये ही नहीं पता होता कि असल में समस्या है क्या। तो जब प्रॉब्लम का नेचर क्लियर है, स्पष्ट है,
तो हमारे पास निर्णय लेने के लिए क्रमबद्ध तरीका होता है और हम स्टेप वाइज चलकर उस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, जबकि जो इल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है उसमें हमें ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना पड़ता है, रैंडम सर्च मेथड यूज करना पड़ता है, और उसकी भी गारंटी नहीं कि उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाए। तो इस वजह से कई बार समय बहुत ज्यादा लग जाता है और ऐसा भी हो सकता है कि हम लक्ष्य को प्राप्त ही ना कर सके। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो आते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल्स, यानी कि प्रयोज्य संबंधित चर। जो व्यक्ति समस्या का समाधान कर रहा है उसकी व्यक्तित्व से संबंधित, उसकी परिस्थितियों से संबंधित जो चर हैं उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक आवश्यक कारक है। जो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम है और जो गोल स्टेज है उसके बीच में रिलेशनशिप तभी एस्टेब्लिश होता है जब व्यक्ति में कोई सोशल या बायोलॉजिकल मोटिव होता है। यदि व्यक्ति में मोटिवेशन का अभाव है तो वो समस्या का समाधान नहीं करेगा। जैसे आपने लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि थॉर्नडाइक की बिल्ली जो है या कोहलर का चिंपैंजी भोजन प्राप्त करने के लिए तभी एफर्ट करता है, तभी कोशिश करते हैं जबकि उनके सामने लक्ष्य होता है और वो भूखे होते हैं। यदि वो भूखे नहीं होंगे तो वो भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर आता है पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि गत अनुभव। एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा आसानी होती है जिन जिनको पहले उसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। यानी कि यदि वो पहले उस प्रकार की समस्या का समाधान कर चुके हैं तो वर्तमान में जब वो समस्या दोबारा उनके सामने आती है तो वो आसानी से उसे सुलझा लेते हैं। और इसी प्रकार जटिल समस्या का समाधान भी वो व्यक्ति आसानी से कर पाते हैं जिन्हें इसकी जो उप समस्याएं हैं, जो सब प्रॉब्लम्स है उसको हल करने का उनको पहले एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है मेंटल सेट। मेंटल सेट का मतलब होता है मानसिक तत्परता। जब हम मानसिक रूप से तत्पर होते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, हमें ऐसा लगता है कि इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं तो नेचुरली उस समस्या का समाधान हम आसानी से कर पाएंगे। जो कार्य हम पहले करते आ रहे हैं उसे करते करते हम यूज्ड टू हो जाते हैं और आगे उससे मिलता जुलता काम दोबारा जब हमें दिया जाता है, उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम जब हमें दी जाती है तब हम उसे आसानी से सुलझा पाते हैं क्योंकि अब हमारा मेंटल सेट बना हुआ होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो है ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज, प्रशिक्षण और कुशलता। अध्ययनों में ये देखा गया है कि ट्रेनिंग से समस्या समाधान सरल हो जाता है। जैसे मैथ या कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में जितना ज़्यादा एक्सपर्टीज होगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई होगी उतनी ही आसानी से एक व्यक्ति समस्या का समाधान कर पाता है। इसी प्रकार से मशीन से संबंधित जो काम होते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो काम होते हैं, इन सब कामों में ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज व्यक्ति को समस्या समाधान में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट फैक्टर आता है मेमोरी। मेमोरी यानी कि स्मृति। समस्या समाधान में सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि समाधानकर्ता ये भूल जाता है कि उसने कहाँ तक सोचा था। और यदि व्यक्ति ये ध्यान रख पाता है कि उसने क्या सोचा था, किस तरीके के प्रयास करे थे, तो वो सक्सेसफुली अपनी समस्या का समाधान कर पाता है, वो अपने गत अनुभव से लाभ उठा पाता है और समस्या को आसानी से सरल कर पाता है। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है अजम्पशंस या अभिधारणाएं। समस्या के बारे में व्यक्ति की धारणाएं किस प्रकार की हैं,
यदि व्यक्ति गलत अभिधारणाएं बना लेता है या जिसे हम ये कह सकते हैं पहले से ही वो कोई एक धारणा बना लेता है कि इस समस्या के बाद इस प्रकार की समस्या आएगी या इस समस्या का जो समाधान है इसी मेथड से संभव है, तो ये उसके लिए ब्लॉकेज का काम करती है और व्यक्ति के समस्या समाधान में कठिनाई का अनुभव होता है या वह पूरी तरीके से असफल रहता है। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो है फंक्शनल फिक्सनेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा डालता है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है। फंक्शनल फिक्सनेस कहते किसे हैं? फंक्शनल फिक्सनेस या इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता। प्रकार्यात्मक स्थिरता एक संज्ञानात्मक त्रुटि है जो व्यक्ति को रेस्ट्रिक्ट करती है उसी तरीके से सोचने के लिए जैसा कि वो ट्रेडिशनली कन्वेंशनली उसको यूज करता आ रहा है, जिस तरीके से समस्या का समाधान करता आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को उसी तरीके से यूज करने के बारे में वो सोच सकता है। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें आपके पास जिसमें प्रयोज्य को दो कैंडल्स दी जाती हैं, कुछ थंब पिंस दी जाती हैं, एक मैच बॉक्स दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसको इस कैंडल को आपको दीवार पे माउंट करना है। ये मटेरियल आपके पास है जिसमें कैंडल है, थंब पिन है, मैचेस है और एक बॉक्स ऑफ मैचेस है। तो अब कन्वेंशनली क्या होता है कि हमें हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम थंब स्टिक केवल थंब पिन के रूप में हम यूज कर सकते हैं और कैंडल जो है वो लगाने के लिए हम उन थंब पिन को यूज करते हैं। लेकिन और थंब पिन से कैंडल जो है वो दीवार पे या किसी भी सरफेस पे इस तरीके से माउंट नहीं हो सकती। तो अब लेकिन हमें हमेशा से यही तरीका पता है तो हम उसके लिए कोई दूसरा तरीका अप्लाई नहीं करते। इसी समस्या को फंक्शनल फिक्सनेस कहा जाता है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए एक और तरीका है जिसे माचिस को यूज करते हुए कैंडल को नीचे से मेल्ट किया जाता है और उस कैंडल को ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं जिसमें थंब पिंस पड़ी हुई है इस बॉक्स में चिपका दिया जाता है। जब कैंडल इस बॉक्स में चिपक जाती है तो इस बॉक्स को थंब पिन की सहायता से वॉल पे माउंट कर दिया जाता है। ये देखिए, ये आपने इस तरीके से कैंडल लगाने के बारे में सोचा ही नहीं होगा। मैं शर्त लगा सकती हूँ आपने यही सोचा होगा कि ये थंब पिन से हम कैंडल को दीवार पे माउंट करेंगे, लेकिन आप थंब पिन का साइज देखिए, कैंडल के थ्रू ये जा ही नहीं सकता। तो ये जो हम कन्वेंशनली जो चीज हम जिस तरीके से यूज करते आ रहे हैं हम उसका वही प्रकार जब सोचते हैं तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई दूसरा मेथड सोच ही नहीं पाते। ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज आती है समस्या समाधान में। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं और यदि आप इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं तो आप अपनी समस्या समाधान को इफेक्टिवली कर सकते हैं। थैंक यू।